अपने सर्विसेज को गिव अवे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अच्छा थंबनेल बनाना आता है, अच्छा बैनर डिजाइन करना आता है, लोगो डिजाइन करना आता है, वीडियो एडिटिंग करना आता है, ये सारी चीजों को आप गिव अवे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप अपनी वीडियोज में बताइए कि जो भी लोग ये वीडियोज देख रहे हैं, तो जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे भी जो भी लोग ये वीडियोज देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे मुझे और मैं उनके दो लोगों को उठाऊंगा उस कमेंट में जिनका मैं कुछ भी एडिटिंग वो लोग कहेंगे करने के लिए तो मैं उनका कर दूंगा। जैसे मान लीजिए एक वीडियो में उनका एडिट कर सकता हूँ या चैनल का लोगो एडिट कर सकता हूँ या उनके चैनल का बैनर एडिट कर सकता हूँ, उनके लिए एक बेहतरीन सा कोई वीडियो का थंबनेल कर सकता हूँ। जब हम एक नया चैनल बनाते हैं और हमारा कहीं ना कहीं टारगेट हो जाता है उस चैनल पे, जब हम वीडियो काम कर रहे होते हैं हमारा टारगेट हो जाता है कि हम अपने जो है अपने नीच के रिलेटेड जो हमारी ऑडियंस है उनके पास अपने वीडियोस को कैसे पहुंचाएं या उनकी नज़र में अपने चैनल्स को कैसे लाएं ताकि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट जाए, हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, सब्सक्राइबर्स आएँ और ये सारी चीज़ें हम जो है एंगेज कर पाएँ। वो उसको करने के लिए हम बहुत सारे तिकड़म लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ हम नहीं सोचते, हम क्यों वीडियो एडिटिंग करने में लग जाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखने में लग जाते हैं, थंबनेल बनाने में लग जाते हैं, तो ये आप अच्छा अच्छा भी कर लेंगे बट फिर भी आपका चैनल रैंक नहीं कर पाएगा जब तक आप अपने चैनल को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। प्रमोट करने का मतलब ये नहीं कि आप पेड प्रमोशन करें, प्रमोट करने का मतलब आप किसी तरीके से अपने जो है अपने रिलेटेड व्यूअर्स के सामने आप अपने चैनल को प्रेजेंट कर पाएं। जब आपका चैनल किसी के सामने प्रेजेंट होगा, जैसे मान लीजिए मैं जिस रिलेटेड वीडियोज बनाता हूं, अगर जो मेरा वीडियो मेरे रिलेटेड आपके पास ये नहीं पहुंचा होता तो आप कैसे इस वीडियो को देखते, आप कैसे जानते कि एक चैनल है और आप अभी चैनल को कैसे सब्सक्राइब करते, सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं सारी चीजों के बारे में पॉइंट और पॉइंट बात करूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज मौर्या, आप देख रहे हैं नीरज के टेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो हम बात करें तो पहला चीज जो हमारा हो जाता है किसी चैनल को रैंक कराने में, वो पहला जब चैनल हम बना रहे हैं या चैनल पे बना के काम कर रहे हैं तो हमको पहले चैनल को अपने ऑप्टोमाइज करना रहेगा। जैसे चैनल ऑप्टोमाइज कर रहे हैं ना मतलब कि आपका आपके रिलेटेड कौन कौन से रिलेटेड आप कॉन्टेंट बना रहे हैं अभी और क्या आपके आने वाले कंटेंट रहेंगे या आपके व्यूअर्स किस रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हैं जो उस पर जुड़ चुके हैं, या फिर ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करने के साथ साथ हम एक लोगो लगा लेते हैं, बैनर बना लेते हैं या हैंडलिंग कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पूरा सेटअप करना रहता है अपने चैनल पर ताकि जो भी व्यूअर्स आए वो देख पाए कि कैसे आप कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए अगर जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इन्हीं दो लोगों में से मैं किन्हीं दो लोगों के कमेंट पिकअप करके उनका चैनल जो है सेट कर दूंगा, एसईओ फ्रेंडली कर दूंगा, उनके लिए बैनर और लोगो दोनों बना के मैं सेट करके दूंगा। तो जो कमेंट करेगा मैं किन्हीं दो लोगों उसमें से ये चूज करूंगा और उनको दे दूंगा, ठीक है। तो पहला चीज होता है चैनल ऑप्टिमाइज कर लेना। दूसरा चीज हो जाता है कंटेंट। जैसे हम कहते हैं कंटेंट इज द किंग, तो आपको एक ग्रेट कंटेंट बनाना है, रिलेटिव कंटेंट बनाना है, रिलेवेंट कंटेंट बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना और हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है। हाई क्वालिटी का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप एक बेहतरीन से कैमरे से शूट कीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ कर कीजिए, क्वालिटी दीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अपने स्टूडियो में सेट कीजिए। हाई क्वालिटी का मतलब ये हो जाता है कि जिस भी टॉपिक के रिलेटेड आप वीडियोज बना रहे हैं उस भी टॉपिक को आप प्रॉपर करके बनाइए। मान लीजिए आप कुछ किचन के चीज़ बना रहे हैं, बता रहे हैं कि गाजर का हलवा कैसे बनाए, सो आप उसको जो उस कंटेंट को इतना बेहतरीन से बताइए कि उसमें कुछ छूट ना जाए या कि कैसा क्या रहना चाहिए, शुगर कितना रहना चाहिए, ऐसे उसी को बोलते हैं हाई क्वालिटी, ठीक है। आप अपने चीज को जो आप कह रहे हैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाइए अपने प्रेजेंटर के सामने या फिर कह लें अपने व्यूअर्स के सामने, इसको अच्छे से अगर जो आप कह पा रहे हैं या उसके सारी चीजों को आप वन बाय वन स्टेप करके जो है प्रेजेंट कर पा रहे हैं, रख पा रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें कुछ छूट नहीं रहा है, तब उसको कहते हैं हाई क्वालिटी कॉन्टेंट। इसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट बनाना रहेगा पहले से और उस स्क्रिप्ट के तहत आपको वो सारी चीजें बतानी रहेगी जिस कॉन्टेंट पे आप वीडियोज बना रहे हैं, तो इससे आपके क्या हो जाएगी क्वालिटी हाई हो जाएगी। और क्वालिटी हाई करने का मतलब और क्या हो जाता है, अच्छी अगर जो आप वीडियो एडिटिंग पे थोड़ा टाइम 10-15 मिनट दे रहे हैं, 25 मिनट आधा घंटा दे रहे हैं, तो और थोड़ा इंप्रूव कीजिए, देखिए कि क्या रिलेटेड वीडियो कंटेंट चल रहे हैं, वॉइस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और इन्हीं चीजों को आप हाई कर लीजिए, इस पे थोड़ा बहुत एडिटिंग करना शुरू कर दीजिए। यूज सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क, कह लें कि हम सोशल नेटवर्क आज के टाइम पे बहुत कम ही लोग जो है यूज नहीं, ऐसा होगा कि नहीं करते होंगे, बट आपको अपने चैनल रिलेटेड या अपने ब्रांड रिलेटेड जो है एक सोशल नेटवर्क आईडी यूज करना है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जहां भी है तहां भी यूज कीजिए। वहां पर लोगों को उसी साम सेम लोगों के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, चैट कीजिए, उनको जोड़िए आपस में, वहां पर कुछ क्लिप्स वगैरह डालिए, जहां से मतलब जैसे छोटा मोटा क्लिप आप डालिए और वहीं से आपको ट्रैफिक खींचना रहेगा। जैसे वहां पर बता दीजिए फुल वीडियोज देखने के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है या ये कर दिया, वहाँ पे हमारा चैनल है, ये मतलब किसी भी तरीके से आप सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क पे अपने आप को प्रमोट कीजिए, ये भी प्रमोशन का एक बेहतरीन तरीका आपके चैनल को ग्रो कर जाएगा। जो नेक्स्ट तरीका है उसमें हम बताएंगे कोलैब विथ योर रिलेटेड कंटेंट रिलेटेड जो है
यूट्यूबर्स के साथ आप अपने कोलैब कीजिए, जो आपके कंटेंट के रिलेटेड हो यूट्यूबर्स उनके साथ कोलैब कीजिए, बट आप अगर जो नए हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग आपके साथ कोलैब नहीं करना पसंद करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो लोगों को अप्रोच कीजिए, आपके साथ छोटे छोटे क्रिएटर को ढूंढिए और उनके साथ कोलैब करने की कोशिश कीजिए। अगर जो वो लोग कोलैब नहीं कर रहे हैं आपके साथ, तो आप क्या कीजिए, उनके रिलेटेड कॉन्टेंट बनाइए। जैसे कि मान लीजिए कोई आपके रिलेटेड कॉन्टेंट बना रहा है और बड़ा यूट्यूबर, तो उसके रिलेटेड कॉन्टेंट बनाइए। कि मान लीजिए मैं बता दूंगा कि मनोज दे थंबनेल कैसे बनाते हैं, मनोज दे एडिटिंग कौन से सॉफ्टवेयर में करते हैं, या उन सारी चीज़ों को दिखा के उन्हीं का थोड़ा मोड़ा जो है नेम यूज करके उनके तरीके से बताइए कि वो कैसे यूज कर रहे हैं, आप उस तरीकों को बताइए, तो लोग आपसे जुड़ते रहेंगे, उनके रिलेटेड जो उनके सब्सक्राइबर होंगे वो आपसे जुड़ते रहेंगे, और आप इन चीज़ों से कोलैब धीरे धीरे बाद में उन लोगों से भी कर लीजिएगा, तो आपके ऑडियंस बढ़ते रहेंगे। देखो एसईओ तो जरूरी होता है, इसलिए मैंने अगला चीज जो बताया है यूज कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड्स जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तब भी आपको कीवर्ड्स जरूरी होता है, लेकिन यूट्यूब यहाँ पे आपका चैनल को खुद ब खुद रैंक कराता, रिकमेंड करता है, बट यूट्यूब को उसके एल्गोरिदम को कहीं ना कहीं हिंट चाहिए कि आपका वीडियो किस टॉपिक पे, आपका चैनल किस टॉपिक पे। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था कि आप सेटिंग कैसे कर पाए अपने चैनल में, जो है कीवर्ड्स वगैरह कैसे ऐड कर पाए, यहाँ पे वीडियो दिया गया, डिस्क्रिप्शन आई बटन पे लिंक भी दिया गया, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया। सो वो चीज आप कैसे कर पाएंगे वहां पे सीखेंगे, बट अगर जो आप अभी से अपने चैनल में जो कीवर्ड नहीं डाल रहे, तो एक अच्छा सा कीवर्ड डाल दीजिए जिस टॉपिक पे आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, वो कीवर्ड आप वहां पे ऐड कर दीजिए, और जब भी आप वीडियो अपलोड कीजिए तो उसमें एक अच्छा सा कीवर्ड डाल दीजिए, टैग डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन में अच्छे से बता दीजिए कि ताकि लोगों को भी समझ में आए और आपके जो है यूट्यूब एल्गोरिथम उसको भी समझ में आए, या जो आपकी वीडियोज देख रहे हो उनको भी समझ में आए। ये सारी चीजें आप कीजिए, और एक अच्छा सा परफेक्ट थंबनेल बनाइए, थंबनेल पे कुछ ऐसा दर्शाइए जो लोगों को, मतलब वो कैसा कीवर्ड लिखिए या कुछ ऐसा लाइन टैग लाइन लिखिए जो लोगों को बता दे कि इस जो है वीडियोस में क्या उन्हें देखने को मिलेगा, इसलिए वो क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें, और आपका जो फर्स्ट जो इंट्रो रहेगा उसमें उनको दर्शा दीजिए कि उनको क्या चाहिए। वीडियो ज्यादा कभी भी लंबा मत खींचिए। एंगेज विथ योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के साथ आप जुड़े रहिए, उनसे जुड़ते रहिए, उनसे मतलब अपना एक जुड़ाव रखिए। जैसे कि मान लीजिए वो जब भी कुछ आपको कमेंट करते हैं तो उनका जवाब देते रहिए, और कम्युनिटी पोस्ट तो अभी कम्युनिटी टैब सबको मिलना शुरू हो गया है, बट कम्युनिटी में आप उनको लिए बराबर पोस्ट डालते रहिए। हो सके कभी संडे या कोई वीक में एक दिन आप लाइव आके उनसे लाइव जो है बातें कीजिए, उनसे लाइव चैट जो है उनका पढ़िए, ये कीजिए, या फिर आप जो सोशल नेटवर्क बना रहे हैं वहाँ पर उनसे बातें कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको करना रहेगा उसी के तहत जो आप अपने ऑडियंस से जो है जुड़े रहें, और अपने रिलेटेड जो भी लोग वीडियोज बनाते हैं आपके चैनल रिलेटेड उनके भी कमेंट बॉक्स में जाके उनसे जुड़िए, उनको रिप्लाई दीजिए। ये मत कहिए कि आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ कुछ भी मत कहिए। जब आप उनको अच्छा अच्छा रिप्लाई देंगे तो लोग खुद ब खुद ध्यान करेंगे और आपका चैनल खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारा आता है एडवर्टाइज का। एडवर्टाइज तो दोस्तों एडवर्टाइज ऐसा हो जाता है ना कि एक अच्छे अच्छे ब्रांड को भी करना पड़ जाता है, जो लोग नामी होते हैं उनको भी एडवर्टाइज करना पड़ जाता है, पर आपको भी एडवर्टाइज करना पड़ जाएगा। अगर जो आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप बिल्कुल से कहूँगा कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट बना चुके हैं यूट्यूब पर और आपको लग रहा है कि आपका कॉन्टेंट बहुत अच्छा है और लोगों के पास नहीं पहुँच रहा है, तो एक दो बार आप कोशिश कीजिए अपने आप को एडवर्ट पर लाने पर, गूगल एडवर्ट पर लाने के लिए, फेसबुक जो है ऑडियंस नेटवर्क में जाके, या फिर कहने की फेसबुक पे जाके अपना ऐड चलाइए, जहां पे हो जाए आप अपना कैंपेन चलाइए, छोटे छोटे जो है इंस्टाग्राम पे जो लोग फेमस है या यूट्यूब पे फेमस हो उनसे ज्वाइन होइए, उनको कुछ अगर जो तय करके कुछ थोड़ा बहुत पैसा करके उनके शॉर्ट वीडियोज में बोलिए कि थोड़ा बहुत मेरा प्रमोशन करें या लोगो लगाएं। इन तरीकों से आप थोड़ा बहुत अपने छोटे छोटे जो क्रिएटर आपके कॉन्टेंट में उनको कहिए और उनको पेड प्रमोशन कराने की कोशिश कीजिए, ताकि वो आपका प्रमोट करें। जब एक बार आपका प्रमोट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपका चैनल खुद ब खुद चलने लगेगा। और ये जरूरी नहीं कि पेड ही प्रमोशन कराएं, आप एडवर्टाइज का मतलब पेड ही प्रमोशन कराएं, आप अपने दोस्तों के साथ कह सकते हैं कि वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें मेरा अच्छा वीडियो है, या स्टेटस लगा दें अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा दें। ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं उनसे, और जो उन टॉपिक के रिलेटेड जो जिनको इंटरेस्ट रहेगा वो खुद ब खुद आपके चैनल पर आएंगे, आपके चैनल पर विजिट करेंगे, वीडियोज वगैरह को देखेंगे और वो आपसे जुड़ जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि पेड ही कराइए, कहीं से भी करके प्रमोशन आप इस प्रकार से एडवर्टाइज करा सकते हैं। अपने सोशल नेटवर्क पर बार बार हफ्ते में महीने में आप पोस्ट शेयर करते रहिए, थोड़ा
बैनर डिजाइन करके कैनवा ईटीसी से या फोटोशॉप से या किसी से करवा के आप जो है उस पर डालते रहिए और छोटे छोटे चीज बीच में करते रहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई फेस्टिवल आ रहा है तो बधाइयां देते रहिए और ये सारी चीजें, साथ ही साथ अपने चैनल का लोगो वगैरह ये सारी चीजें यूज करते रहिए। देखो एक टाइम था जब गिव अवे से लोग बहुत तेजी से ग्रो किए थे, जैसे टेक्निकल गुरु जी या बहुत सारे लोगों ने गिव अवे शुरू कर दिया था कि वो लोग गिव अवे करते थे, तो आप भी गिव अवे कीजिए। हो सकता है कि आपके अभी आप न्यू हो या आपके पास उतना बजट नहीं हो कि आप गिव अवे कर पाए, बट आपने जरूरी नहीं कि आप अपने कोई सामान या प्रोडक्ट को ही खरीद के गिव अवे कीजिए लोगों को, आप अपने सर्विसेज को गिव अवे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अच्छा थंबनेल बनाना आता है, अच्छा बैनर डिजाइन करना आता है, लोगो डिजाइन करना आता है, वीडियो एडिटिंग करना आता है, ये सारी चीजों को आप गिव अवे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप अपनी वीडियोज में बताइए कि जो भी लोग ये वीडियोज देख रहे हैं, तो जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे भी जो भी लोग ये वीडियोज देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे मुझे और मैं उनके दो लोगों को उठाऊंगा उस कमेंट में जिनका मैं कुछ भी एडिटिंग वो लोग कहेंगे करने के लिए तो मैं उनका कर दूंगा। जैसे मान लीजिए एक वीडियो में उनका एडिट कर सकता हूँ या चैनल का लोगो एडिट कर सकता हूँ या उनके चैनल का बैनर एडिट कर सकता हूँ, उनके लिए एक बेहतरीन सा कोई वीडियो का थंबनेल कर सकता हूँ। ये आप अपनी सर्विसेज को भी गिव अवे कर सकते हैं, तो मैं अपनी सर्विसेज को भी गिव अवे करता हूँ जो मुझे कमेंट्स करते हैं या जो उनका कमेंट मुझे अच्छा लगता है, जिनका चैनल मुझे अच्छा लगता है, मैं उनके लिए थंबनेल बैनर ईटीसी ये सब बना के दे देता हूँ। तो आप भी ये सारी चीज़ों को सर्विस दीजिए अपने गिव अवे में, तो जरूर जब आपके पास थोड़ा बहुत सक्षम हो जाए, आपके पास पैसे हो जाए, तो आप ट्राइपॉड और माइक ईटीसी चीज़ों अपने अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। कुकिंग वाले तो कुकिंग वाले बर्तन पॉट वगैरह आप दे सकते हैं। सो आप अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग गिव अवे जरूर से करते रहिए। क्वेश्चन आंसर जो नेटवर्किंग कर देते हैं कि हम कह देते हैं रिप्लाई नेटवर्किंग या जो भी आपको कहना वो कह सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा हो जाता है ऑडियंस जो है का एंगेज बनाने के लिए या ऑडियंस को रिडायरेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोरा वगैरह प्लेटफॉर्म आपने सुना है या बहुत सारे से प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर सोशल नेटवर्क पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उनमें आप अपने अपने रिलेटेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे रिप्लाईज वगैरह करते रहिए या फिर कोरा पे आपको भर भर के क्वेश्चन मिलते रहते हैं, आप उन क्वेश्चन का थोड़ा रिप्लाई दीजिए और चैनल का लिंक वगैरह बताइए कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक वीडियोज बना दिया, ये जाके देखिए या ऐसे कीजिए। सो वहाँ पे आप भी ऑडियंस बना सकते हैं। यही सारे तरीके हैं जो आप अपने ऑडियंस को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अपना ऐसा तेजू खामत बनिए कि मैंने बना लिया, मैं ये सब नहीं करूंगा और ये सब अच्छा नहीं है, सो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत के लिए आपको ऑडियंस लाना जरूरी है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक जो है डिस्क्लेमर दे दूँ या फिर कहने चेतावनी दे दूँ कि जब भी आप चैनल बनाते हैं अपने जो रिलेटेड हैं या जो भी नॉट इंटरेस्टेड लोग हैं उनको जबरदस्ती कोई सब्सक्राइब मत करवाइए, व्यू मत करवाइए, क्योंकि आपका एंगेजमेंट खराब हो जाएगा, आपके चैनल का रिटेंशन खराब हो जाएगा, सो आपका चैनल जो है ग्रो करना बंद कर देगा। तो इसीलिए आप केवल और केवल उन्हीं लोगों को कहिए जो आपके उस टॉपिक पर रिलेटेड हैं, आप उन्हीं को इस वीडियोज के बारे में बताइए। सो ऐसे ही जो आप मेरे वीडियोज देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों को जो इस टॉपिक पे रिलेटेड करते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड करते हैं ट्रिक एंड टिप्स के लिए, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना प्यार देने के लिए चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।